वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस का पूरा सिलेबस होगा। क्लास 8 से जो बच्चे क्लास 9 में गए हैं उन्हें सोशल साइंस का सिलेबस नहीं पता है और इस लॉकडाउन की वजह से उनके अंदर एक दुविधा से उत्पन्न हो गई है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। उनके पास तो बुक भी नहीं होगा, ठीक है, तो ना बुक होगा ना कुछ भी होगा, तो उनके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस और सिलेबस के एक एक चैप्टर, जो जो चैप्टर जब तक हो पाएगा, मैं आपको प्रत्येक दिन दो वीडियो कम से कम दूंगा जो क्लास 9 का होगा, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको सोशल साइंस क्लास 9 का पूरा सिलेबस एक बार दिखाता हूँ। सिलेबस इस प्रकार है कि 8 में आप लोग जो पढ़े होंगे उसमें होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स को मिलाकर के आता था एक टॉपिक, सिविक्स से और इकोनॉमिक्स से दोनों से मिला के। लेकिन हमें जो पढ़ना होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स सेपरेट हो जाते हैं क्लास 9 और 10 में जाकर के, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक एक्स्ट्रा ऐड होती है क्लास 8 से जब 9 में जाएंगे तो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस बताऊं, ठीक है। सीबीएसई के द्वारा जो प्रमाणित है, जो प्रूफ किया हुआ है, उसमें आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री में आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लास 8 में आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा, सिर्फ नाम सुना होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी हुई थी, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फ्रांस के बारे में पढ़ना है। और हिस्ट्री की बात करें तो टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, टोटल विश्व इतिहास आपको इसमें पढ़ने हैं। इंडिया के बारे में बहुत ही कम जानकारी ले ली। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन आफ्टर सेकेंड चैप्टर जो होगी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन एक नया जो गवर्निंग सिस्टम थी, कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म जो रशिया में चली थी, तो रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म ये दूसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होगा जो रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। और तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का नाम कौन नहीं जानता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लोगों में हिटलर का भी नाम आता है। एडॉल्फ हिटलर जो जर्मनी का रहने वाला था, उन्होंने भी एक नया चीज लेके आया, नाजीज्म, ठीक है। तो नाजीज्म हमें पढ़ना है और हिटलर का राइज कैसे हुआ, डिक्टेटरशिप कैसे क्रिएट हुआ, ये भी हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। देन उसके बाद हमें पढ़ना है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगी जो बच्चों को बहुत कम समझ में आती है या फिर उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन इसी चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह से कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेस्ट सोसाइटी आई, खास करके ट्राइबल सोसाइटी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो सारे चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से हमारे देश की जो ऊंट थी, जो लकड़ी थे, वो लकड़ी ब्रिटेन के जितने भी रेल के लिए पटरी बनाई गई थी उसमें यूटिलाइज हुए थे, और फॉरेस्ट सोसाइटी वगैरह जो लॉ लगी थी, फॉरेस्ट एक्ट लगी थी, वो सब के बारे में भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। देन आपका पांचवा टॉपिक में भी हो सकता है वो क्लॉथिंग ए सोशल हिस्ट्री, कपड़े का इतिहास, बुनकरों का इतिहास बहुत पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि वस्त्र का जब से हम लोग क्लॉथ के बारे में जाने हैं, जब से हम लोग वस्त्र के बारे में जाने हैं, उस समय का पूरा इतिहास और सोशल हिस्ट्री उसका हम लोग को जानना है कि बुनकरों का क्या इतिहास है, किस तरह से कॉटन, सिल्क ये सब का यूटिलाइज इंडिया में आई या फिर वर्ल्ड में आया। तो ये पांचवा जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का, जो आप लोगों को क्लास 9 में पढ़नी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है आपका साइज एंड लोकेशन। यस, साइज एंड लोकेशन, कॉन्टिनेंट, कंट्री, उसका साइज क्या है, वो लोकेट कहाँ पे है, ठीक है, ये ग्लोब में वो कहाँ पे होंगे, मैप में उसका लोकेशन क्या होगा, शेप एंड साइज के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया के टोटल फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि रिवर सिस्टम क्या है या फिर लैंड मास क्या है, या फिर बात कर लो कि प्लेट्यू रीजन क्या है, माउंटेनिक रेंज क्या है, ये सब जो भी फिजिकल फीचर्स है, चाहे वो नॉर्दर्न का
नॉर्दर्न का लैंड मास हो या फिर वो पार्ट हो हिमालय की रीजन का, प्लेट्यू रीजन का, ठीक है, रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम का, ये सारे चीजें हम लोग फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट रीजन वाले भी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है और उस नदियों के द्वारा कौन कौन से स्टेट जो है वो प्रॉफिट लेते हैं उस नदियों से, ठीक है। इट मीन्स कि आप ये समझिए मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। देन आफ्टर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे कि नदियां कैसे ऊपर से आकर के नीचे चलती है, वो सिस्टम हम लोग को पढ़ना होगा ड्रेनेज सिस्टम में। देन आफ्टर हम लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़नी है पूरे ज्योग्राफी में, यू कहूं तो पूरे ज्योग्राफी जो हम लोग अभी तक 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका है क्लाइमेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है, क्लाइमेट, कि क्लाइमेट होता क्या है या फिर क्लाइमेट डिपेंड्स किस चीजों पे करता है, क्लाइमेट का चेंज होने का काउज क्या है, ठीक है। ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में अलग अलग जगहों की क्लाइमेट अलग अलग कैसे होती है, भारत की क्लाइमेट इतनी सुंदर इतनी अच्छी क्यों है, भारत की क्लाइमेट कोल्ड होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ की क्लाइमेट नॉर्दर्न ना कोल्ड है और ना हॉट है, नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, आखिर ये कैसे, रीजन क्या है इसका होने का, जबकि वेस्टर्न विंड के कारण इंडिया की क्लाइमेट काफी कोल्ड होनी चाहिए थी। तो ये सारे सिस्टम हम लोग क्लाइमेट में पढ़ेंगे। देन आप लोग हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग क्लाइमेट वाले जो चैप्टर होंगे उसी में हम लोग पढ़ेंगे एल नीनो के बारे में और ला नीनो के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, जंगलों के बारे में भी पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव है उनके जीवन के बारे में भी, या फिर जंगल में रहने वाले लोगों की किस तरह से जीवन होते हैं उसके बारे में। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत इट मीन्स कि नाइन्थ का जो सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों का जो होने वाला है वो टोटल ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रैक्टिकली है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने वाले मिलेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो आपका है सिविक्स। सिविक्स यहाँ से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की स्टार्ट होती है, ठीक है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह बहुत सारा पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों को जो इसमें पढ़ना होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों, पता होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई गवर्नमेंट की सिस्टम है तो वो है डेमोक्रेसी। 100 से ज्यादा कंट्री आज डेमोक्रेसी को फॉलो करता है या फिर अपने देश में डेमोक्रेसी को ही उन्होंने बनाया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 100 से ज्यादा देश जिसको फॉलो कर रहा हो उस वो तो बेहतर होगा ही, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्यों और डेमोक्रेसी क्या है ये सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग। अब्राहम लिंकन का डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो पूरा पूरा सेटिस्फाइड नहीं करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, दूसरा चैप्टर आपका होगा सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में, ये डिजाइन जो किस तरह से वर्क करती है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में और इंडिया के जुडिशियरी सिस्टम, इंडिया के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इसके लिए ही तो हमारे देश में काम होती है सबसे ज्यादा वोट पाने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हर चीज इलेक्शन के लिए होती है और इलेक्शन के लिए कई तरह के फंडिंग होती है, कई तरह के फाउंडेशन बनाई जाती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी होती है और अलग अलग तरीके के उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का एक अलग अलग एम भी होता है। तो हर पार्टी का एम, किसका एम किस तरह से होता है, वो पॉलिटिक्स को किस तरह से प्ले करता है अपना रोल, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ वर्किंग इंस्टीट्यूशन भी है जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सारे चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट, कुछ राइट भी हमारे पास लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र में तो कुछ राइट भी होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र पीपल यानी जनताओं का शासन होता है, ठीक है। तो जब जनता की शासन होती है तो जनता को कई राइट्स मिलते हैं और उन सारे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को एक स्पेशल राइट भी पढ़ना है और वो राइट है रिट, WRIT, ठीक है।
रिट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ये रिट बहुत ही फेमस होने वाला है। जब पढ़ेंगे हम लोग रिट का टॉपिक तो वहां पे जानेंगे कि आखिर रिट होता क्या है, ठीक है। या फिर और भी कई तरह के राइट्स है हमारे पास, हमारे देश में और भी कई तरह के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक NSA है, ठीक है। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो अभी लॉकडाउन के द्वारा काफी फेमस हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, ठीक है। तो सिविक्स के बाद हम लोगों का जो आती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हमें चार चैप्टर पढ़ने हैं और ये चार चैप्टर बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोगों को द स्टोरी ऑफ पालमपुर का पढ़ना है, एक पालमपुर गांव है और उसमें किस तरह से इकोनॉमिक्स के बारे में उसमें पढ़ना है हम लोगों को, कि पालमपुर गांव में किस तरह से लोग अपनी व्यवसाय करते हैं, वहां के लोग इकोनॉमिक्स के लिए क्या करते हैं, पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल एज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दो बताया कि रिसोर्सेज है, टू टाइप्स, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक जो नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा मैनमेड रिसोर्सेज। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि मैन खुद भी एक रिसोर्सेज है, ठीक है। जिमरमैन ने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, तो वो भी जानेंगे हम लोग कि पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल रिसोर्सेज के रूप में कैसे काम करते हैं। उसके बाद पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी के बारे में सबसे अच्छा कार्ल मार्क्स ने बताया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गरीब ही गरीबी को जन्म देता है। तो ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और चैलेंज है तो इसको फेस करना होता है। गरीबी से अमीरी में बनने के लिए हमें वर्क पे डिपेंड करता है कि हम कितना वर्क कर सकते हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम क्या है। फिर चौथा चैप्टर है हम लोग का फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगी कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या है। इसी में हम लोग FCI के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे फूड का प्रोडक्शन जो होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फूड हम लोगों को इम्पोर्ट करते हैं, हम लोग कौन कौन से फूड एक्सपोर्ट करते हैं और आखिर ये सब चीजें क्यों आती है, और बहुत सारे इसमें रिवोल्यूशन भी हम लोगों को पढ़ना है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है CBSE सोशल साइंस का, ठीक है। तो सोशल साइंस का ये सिलेबस है, आप लोगों को कल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हो गया।